तो हमारा जो एक्सरसाइज 6.5 चल रहा है उसके जो रिमेनिंग सम्स देखने हैं हमको, उसके पहले हमको एक कंसेप्ट देखना होगा, ठीक है? दैट इज दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये कंसेप्ट है, ए ओ डी, एंड दैट इज लाइक दिस। वी हैव अ ग्राफ एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस ग्राफ के ऊपर हम लोग दो पॉइंट्स लेंगे, जैसे दिस इज पॉइंट ए एंड हेयर वी हैव पॉइंट बी। लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, तो क्या है कि मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन, या एक्स रखते हैं इसको, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा एफ एक्स, क्योंकि इस ग्राफ पे क्या है वाई एफ एक्स के बराबर है ना। तो अगर आपने एक्स रखा तो वाई का वैल्यू क्या होगा एफ एक्स। फिर मान लो ये जो गैप है ए और बी के बीच में, दैट इज एच, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स प्लस एच होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। ओके, दिस इज डन। ये इस कर्व के पॉइंट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो वाई कोऑर्डिनेट एफ एक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस एच है तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। अब हम लोग ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को, सी और डी को। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ सी डी इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। दिस इज द स्लोप, स्लोप ऑफ सी डी। नाउ द थिंग इज, अगर आप एच को ज़ीरो करते जाते हो, एच को कम करते हो, तो क्या हो रहा है देखते हैं, जो सी डी सेगमेंट है उसके साथ क्या हो रहा है। अगर आप एच का जो साइज़ है वो कम करते जाओ, तो एच को थोड़ा आपने कम कर दिया तो डी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देखो एच क्या है, गैप है ये गैप, तो ये गैप कम कर दी हमने, पहले इतनी थी अब इतनी कर दी, तो डी नीचे सरक के आ गया, तो ये सी डी सेगमेंट ऐसे बन गई। सी डी सेगमेंट छोटी होती जाएगी, ठीक है? फिर और इसको हम लोग कम करेंगे, और एच को हमने कम कर दिया, डी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब एक और काम अगर आप कर देते हो कि सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, ये जो बोल्ड लाइन मैंने बनाई है दैट इज़ टेंजेंट रेड कलर की, ये सी पॉइंट पे टेंजेंट है, तो क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे आप डी को कम कर रहे हो, सी डी का स्लोप और ये टेंजेंट का स्लोप सेम हो रहा है। यहाँ पे सी डी का स्लोप ऐसा है, टेंजेंट का ऐसा है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। बट जैसे जैसे आप एच को कम करते जाते हो, क्या हो रहा है कि सी डी जो है वो ऑलमोस्ट टेंजेंट के जैसे बन रही है। जितना एच को कम कर दोगे उतना सी डी का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम होते जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल होती जाएंगी। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी इट इज़ लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये स्लोप है डिवाइडेड बाय एच, ये सी डी की स्लोप है। और एच को जब जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो इस फंक्शन का जो लिमिट होगा वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है? हमने अभी देखा एच को जीरो की तरफ टेंड कराओ, आप एक्जैक्टली एच को जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एच को जीरो पुट कर दिया यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो स्लोप आप निकाल नहीं पाओगे। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए अपने को लिमिट लेना पड़ेगा, जब कभी जीरो बाय जीरो फॉर्म आता है हम लोग लिमिट यूज़ करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज़। अब आपने ये देखा है, ये फॉर्मूला पहले आपने देखा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन है। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक कर्व है और एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे टेंजेंट आपने बनाई, तो टेंजेंट की स्लोप आपको चाहिए। मान लो ये पॉइंट है ए, एक्स का वैल्यू ए है यहाँ पे, तो आपको इस टेंजेंट की स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या होगी, मान लो इस कर्व की इक्वेशन भी देके रखी है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो स्लोप इज एफ डैश ऑफ ए, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो, सो दैट विल गिव यू द स्लोप। या स्लोप को ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज डी वाई बाई टी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। फाइन, तो
तो यही कंसेप्ट हमको अब यूज़ करना है रिमेनिंग सम्स में। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज स्लोप x प्लस 3y-1 एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट। कोई भी उसके ऊपर का पॉइंट लेते हो तो स्लोप टेंजेंट की क्या हो रही है, x कोऑर्डिनेट प्लस 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट माइनस 1। ओके, तो इसी इक्वेशन हमको निकालनी है और ये ओरिजिन से पास होता है कर्व। देखते हैं इसको कैसे करना है। सो लेट्स से दिस इज द कर्व विच पासेज थ्रू ओरिजिन, इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो पी एक्स को मैं वाई और उस पर टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो है x प्लस 3y-1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आ रहा, ये जो इक्वेशन है इसको आप y और x के टर्म्स अलग अलग नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स, 3y को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1 इस तरफ रखेंगे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है LDE, यहाँ पे P का वैल्यू है माइनस 3, Q का वैल्यू है x माइनस 1। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF is e raised to integral of PDX, so which is e raised to minus 3x। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर DX plus C। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। तो दो इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर ही देते हैं, x इंटू ई रेस टू माइनस 3x dx माइनस ई रेस टू माइनस 3x dx प्लस c ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो u इंटीग्रल ऑफ v dx फिर आएगा माइनस यू डैश इसका डेरिवेटिव विच इज़ 1 माइनस इंटीग्रल यू डैश एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू माइनस 3x, ई रेस टू माइनस 3x बाई माइनस 3 dx फिर माइनस इसका इंटीग्रल ई रेस टू माइनस 3x बाई माइनस 3 प्लस c, ये आएगा। तो आगे के टर्म्स क्या होंगे, y इंटू ई रेस टू माइनस 3x इज इक्वल टू x ई रेस टू माइनस 3x बाई माइनस 3 फिर यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रल। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आएगा प्लस, 3 बाहर आ जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस 3x dx, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस आएगा ई रेस टू माइनस 3x बाय 3 प्लस c। तो नाउ वी हैव ई रेस टू माइनस 3x y इंटू ई रेस टू माइनस 3x x इंटू ई रेस टू माइनस 3x बाय माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू ई रेस टू माइनस 3x का इंटीग्रल ई रेस टू माइनस 3x बाय माइनस 3 प्लस ई रेस टू माइनस 3x बाय 3 प्लस सी। हम लोग ई रेस टू 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू x अपॉन माइनस 3 माइनस 1/9 प्लस 1/3 प्लस सी इंटू ई रेस टू 3x, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस 1/9 है और यहाँ पे 1/3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट डू वी हैव नाउ इज y इज इक्वल टू माइनस x बाय 3। अब देखो यहाँ पे 3/9 माइनस 1/9 सो दैट इज़ प्लस 2/9 प्लस c e रेस टू 3x, ये हमारा आंसर आ रहा है। बट क्या दिया है इन्होंने कि ये कर्व ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन से जाना मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0 है, तो y और x को 0 पुट कर दो, 0 0 2/9 प्लस c इंटू ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 इज 1 तो c का वैल्यू है माइनस 2/9, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर y का क्या आएगा, माइनस x बाय 3 प्लस 2/9 माइनस 2/9 ई रेस टू 3x। तो माइनस x बाय 3 प्लस 2/9 इंटू 1 माइनस ई रेस टू 3x, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज माइनस 4x बाय 9y। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कर्व का इक्वेशन हमको निकालना है, स्लोप मतलब dy बाय dx और ये दिया हुआ है इट इज इक्वल टू
-4x/9y एंड इट पासिस थ्रू 3√2, √2 3√2, √2 फाइन। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको लेके आएंगे, 9y dy = -4x dx, 9 इंटीग्रल ऑफ y इज़ y²/2 = -4, इंटीग्रल ऑफ x इज x²/2 +c। तो ये है कर्व का इक्वेशन, बट ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो 9/2 × y² y² की वैल्यू मतलब √2 का स्क्वायर 2 = -4 × x² x² मतलब इसका स्क्वायर, 9/2 x² / 2 +c। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, 2 विल कैंसिल आउट, इट गेट 9 = यहाँ पे देखो ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 × 2 4 होगा, 4 कैंसिल आउट होगा, गेट -9 प्लस सी, सी का वैल्यू आएगा 18, सी का वैल्यू 18 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 9y²/2 = -2x² + 18, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9y² - 4x² = -4x² + 36, सो 9y² + 4x² = 36, x²/9 + y²/4 = 1। This is an ellipse. Next question number 4. The curve passes through point 0, 2. Sum of coordinates of any point on the curve exceeds the slope of tangent to the curve at that point by 5. Find the equation of the curve. Fine. The curve passes through the point 0, 2. ठीक है, तो ये दिया है कि curve 0, 2 से pass होता है। The sum of the coordinates of any point, किसी भी point के coordinates का sum exceeds the slope by 5, ये दिया हुआ है। तो x plus y minus dy/dx दिया हुआ है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -x - y + dy/dx = -5। तो यहाँ पे dy/dx - y = हम लोग लिख सकते हैं x - 5, p फंक्शन है -1, q फंक्शन है x - 5। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो होगा e⁻ (p dx) (e−x). अब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो यहाँ पे आएगा y·IFQ q फंक्शन है x−5 (IFdx+c), सो विच इज अगेन यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ∫xe−x अलग, −5 ∫e−x dx अलग प्लस सी। तो यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u∫ of v dx −u'∫ of v dx the whole dx, यहाँ पे है −5, इसका इंटीग्रल e−x/-1 + c। सो दिस इज −x e−x, माइनस माइनस प्लस होगा, e−x का इंटीग्रल e−x/-1, ये आएगा −−+, तो 5 e−x + c। सो नाउ वी हैव फाइनली −x e−x, ये माइनस साइन आ जाएगी, यहाँ पे +5 e−x - e−x, दैट इज 4 e−x + c, दिस इज y·e−x। e·x से मल्टीप्लाई कर दो, तो y = −x + 4 + c·e·x, दैट्स इट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कर्व, ये कर्व जाता कहाँ से है, 0, 2 से, तो 0, 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 = 0 + 4 + c·e·0, तो 2 = 4 + c, c का वैल्यू है −2, c का वैल्यू −2 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे। तो आपके पास फाइनल कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, y = −x + 4, c का वैल्यू हमने पुट करना है −2, तो −2e·x, ये कर्व का इक्वेशन है। और अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज दिस, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एप्सिका एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एप्सिका एंड द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट, ऑल्सो कर्व पासिस थ्रू 0, 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव dy/dx, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एप्सिका, एप्सिका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट,
एप्सिका एंड प्रोडक्ट ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये दिया हुआ है। और ये कर्व कहाँ से जाता है, 0.1 से, तो इसकी इक्वेशन निकालो बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकालो 1 + y, 1/1 + y डी वाई, ये आएगा डी एक्स, यहाँ पे शिफ्ट कर दो एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट इंटीग्रेट प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। नाउ 0.1, ये कर्व 0.1 से जाता है, तो x को 0, y को 1 पुटअप करो, तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसमें हमने x को 0, y को 1 पुटअप किया, तो c का ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो log ऑफ 1 + y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस काफ़ी बड़ा सेक्शन है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, ये हमको इन डेप्थ देखना होगा। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।